अपना चैनल बंद कर दो, आप ब्लॉगिंग करना छोड़ दो, कि आप लोगों को मालूम नहीं है अगर ओरिजिनल क्या होता है फेक क्या होता है, आप मत बनाइए वीडियोस। अच्छा, तो फेक बोल रहे हो तो आप वीडियोस बनाना छोड़ दीजिए, फेक बोल रहे हो। अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, अच्छा, आप ब्लॉगिंग मत कीजिए। अच्छा, पूछोगे कि जलेबी को जलेबी क्यों कहते हैं, समोसा को समोसा क्यों कहते हैं, तो मेरे पास उसका आंसर नहीं। अच्छा, जो फूड ब्लॉगर्स यहाँ कलकत्ता में आकर इस कचौड़ी को बोल रहे हैं कि ये कचौड़ी नहीं है, दूसरा कुछ है, या फिर इसको खा के हार्ट अटैक हो जाता है, या फिर ये डुप्लीकेट है, ये सब जो बोल रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप लोग फूड ब्लॉगिंग करना छोड़ दीजिए। और आप लोग जो लोग हार्ट अटैक से डरते हैं, प्लीज़ यहाँ पर मत आइए, मत खाइए, फूड ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक फ्रेश न्यू हिंदी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे कंट्रोवर्शियल कंटेंट को कवर करने आए हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी गर्मा गर्मी है। मतलब बड़ा बाजार में अभी छंगानी को लेकर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है। लोग खाली कह रहे हैं कोई डुप्लीकेट है, कोई ओरिजिनल है, तो क्या है इसका असली राज, वो तो जाके आज पता करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर एक लाइक कर दे, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सुने हैं कि बहुत कोई बोल रहा है कि यहाँ पर जो बड़ा बाजार में लाली छंगानी है उनको सबको यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं, उनका डुप्लीकेट यहाँ पर कचौड़ी बेचा जा रहा है। तो क्या है हकीकत, जाएंगे डायरेक्ट जो डुप्लीकेट वाले भैया हैं उनसे बात करेंगे, उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा आखिर हकीकत क्या है। और भी सुने हैं कि बहुत कोई दिल्ली से आते हैं और यहाँ पर आके यहाँ का खाना का बदनामी करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर हार्ट अटैक हो जाता है यहाँ का कचौड़ी खाकर। राजस्थान से कुछ लोग कहते हैं कि ये कचौड़ी नहीं है, यहाँ पर इसको बेड़ही कहा जाता है। तो टोटल जितना भी आप लोगों के मन में संशय है उसको आज दूर करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जाते हैं, बात करते हैं डुप्लीकेट छंगानी जी से। आइए। भैया नमस्ते। ये नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं सबसे पहले ये बताइए। एकदम बढ़िया है। अच्छा, आप वीडियो डाल दिए ऐसा ऐसा कंट्रोवर्शियल। अच्छा, सब बढ़िया हो गए। अच्छा, सब बढ़िया हो गया। तो आपका आजकल बहुत ज्यादा फैन फॉलोवर हो गया है। अरे बाप रे। तो मतलब सब कोई बोल रहा है कि डुप्लीकेट बोल रहा है या फिर, तो इस बारे में कुछ बताइए। मतलब आप भी सुने हैं ये सब कंट्रोवर्सी कि आप लोगों को सब कोई डुप्लीकेट बोल रहा है, तो क्या मैटर क्या है बताइए। डुप्लीकेट बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके पीछे देखिए एक दिन वीडियो बना के गए थे उन्होंने, एक्चुअली ऐसा ये वर्ड और ये टर्म यूज़ किया था। अच्छा, वहाँ से फिर सब इस तरह का वीडियोस बना रहे हैं, ओरिजिनल फेक, डुप्लीकेट फेक। लेकिन उसके बाद में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी ऐसे आए हैं जिन्होंने वीडियोस बनाया है और उन्होंने बोला भी है कि नहीं, ओरिजिनल दोनों ही ओरिजिनल है, कोई फेक नहीं है। अच्छा, और बड़ी बात ये है कि फेक, चलिए मैं अपनी तरफ से क्या बोलूँ, कस्टमर्स खुद बोल रहे हैं। आप अगर अपने कमेंट्स में जाके आप देखोगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनके कमेंट में लोगों ने खुद जाके बोला है कि भाई आप अगर इनको फेक बोल रहे हो ना, आप अपना चैनल बंद कर दो, आप ब्लॉगिंग करना छोड़ दो, कि आप लोगों को मालूम नहीं है अगर ओरिजिनल क्या होता है फेक क्या होता है, आप मत बनाइए वीडियोस। अच्छा, और ये लोग कमेंट में बोल रहे थे, उन्हीं लोगों को जो यूट्यूबर्स आए थे उनके कमेंट में बोल रहे थे कि भाई अगर आप इनको फेक बोल रहे हो तो आप वीडियोस बनाना छोड़ दीजिए। अच्छा, कि आप किस कारण से इनको फेक बोल रहे हो, अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, अच्छा, आप ब्लॉगिंग मत कीजिए। अच्छा, तो देखिए फेक वाली बात ऐसी है कि मेरा सरनेम भी, हमारा सरनेम भी छंगानी है। अच्छा, तो अगर आप, अगर आप समझते हो कि आपका सरनेम, चलिए आपको पहले बता ही दीजिए आपका सरनेम क्या है। आपका सरनेम क्या है? सरकार। सरकार है, चलिए सरकार तो बहुत फिर बड़ी बात हो गई, आपकी तो पूरी सरकार पे इंडिया चल रही है। हालांकि देखिए अगर आप सरकार है तो आपके घर में अगर दूसरे कोई आदमी है, दूसरे व्यक्ति है, या फिर आपके समाज में कोई दूसरे व्यक्ति है, अगर वो भी सरकार है तो क्या आप ओरिजिनल और वो डुप्लीकेट है? नहीं नहीं, तो यानी ये सरनेम का बस खेल है, बस सरनेम का ही फैक्टर है। अच्छा, बाकी और बात ऐसी है कि मेरे बोर्ड पे जो नाम लिखा वो मेरे पिताजी का नाम है। अच्छा, छंगानी पप्पी मारा। हाँ जी, छंगानी सरनेम है और पप्पी मेरे पिताजी का पेट नेम है। अच्छा, बाकी आइटम सब कुछ सेम मिलता है ना? सेम मतलब यहाँ पर देखे हैं कि बड़ा बाजार में जितना भी सब कचौड़ी है ये सब मैक्सिमम छंगानी लोग ही बेचते हैं, उन्हीं का कॉपीराइट है, तो सबके पास ही आइटम सब सेम है। कॉपीराइट है सर, लाइए लाके दिखाइए कहाँ है कॉपीराइट। अच्छा, तो आपका यहाँ पर क्या क्या मिलता है सबसे पहले ये बता दीजिए। स्लब कचौड़ी है, समोसा है, खस्ता कचौड़ी है, बेलवा अच्छा, कचौड़ी है, नमकीन, भुजिया, अच्छा, मिक्सचर, स्वाली। अच्छा, ये क्लब कचौड़ी में रहता क्या है, मतलब क्यों बोलते हैं इसको क्लब कचौड़ी?
क्लब कचौड़ी के अंदर में रहता है उड़द दाल का मसाला। अच्छा, और इसे क्यों क्लब कचौड़ी बोलते हैं इसका प्रॉपर आंसर मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, आप क्लब कचौड़ी छोड़िए, अगर आप दूसरे आइटम के बारे में भी पूछोगे कि जलेबी को जलेबी क्यों कहते हैं, समोसा को समोसा क्यों कहते हैं, तो मेरे पास उसका आंसर नहीं है। अच्छा, नहीं बहुत कोई इसको बिढ़ई बोलते हैं राजस्थान में, नहीं मालूम, राजस्थान से बहुत ज्यादा कमेंट आता है कि इसको कचौड़ी नहीं इसको बिढ़ई बोला जाता है, तो आप लोग तो राजस्थान से ही है ना? मैं नहीं जानता सर बड़ाई क्या होती है। अच्छा, बड़ाई नहीं आपको पता नहीं, है मालूम भी नहीं। अच्छा, यानी कि यहाँ पर इसको क्लब कचौड़ी ही बोलते हैं। क्लब कचौड़ी ही बोलते हैं। अच्छा, और उससे बड़ी बात यह है कि क्लब कचौड़ी ये इसका ओरिजिन एक्चुअली बड़ा बाजार ही है। अच्छा, और इसको शुरू किया था मेरे दादाजी ने। अच्छा, जिस समय वो सर्विस करते थे गूगर हलवाई के यहाँ पे, पहले शॉप हुआ करती थी गूगर हलवाई। अच्छा, वहाँ पे वो काम करते थे, वहाँ से इस चीज का इजाद हुआ। सर देखिए, वो कहते थे कि वो जब 22-23 साल के थे तब उन्होंने ये कचौड़ी का खुद का जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया। अच्छा, और मेरे दादाजी अभी एक्सपायर किए 4 महीने पहले, तो अच्छा, दी एज ऑफ 79-80 ईयर्स। अच्छा, तो ऑलमोस्ट 55-60 ईयर्स के बीच में, मतलब एक हम लोग पकड़ सकते हैं कि हमारे बिजनेस को हो गया। अच्छा, तो सर उससे पहले वो काम करते थे गूगर हलवाई के यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर आपका ये दुकान कितना साल से है? ये आउटलेट अभी इसको 2 साल हुआ है। अच्छा, और इसके पहले कहाँ बेचते थे? बस ठीक सामने फुट पे है। अच्छा, वहीं पे वही है जो सबसे पहले सर यहाँ पे उन्होंने दादाजी ने दुकान लगाया था, और उस समय इस पूरे फुट पर। अच्छा, तो कहते थे कि यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस से लेके, अच्छा, आप आगे कम्बे मेडिकल शॉप है, अगर आप वहाँ तक जाओगे तो इस पूरे रेंज में और कोई दुकानें ही नहीं थी खाने पीने की। तो प्राइस क्या है आपका ये कचौड़ी का? क्लब कचौड़ी है 36 रुपए की 4 पीस। अच्छा, सिंगाड़ा है 8 रुपए की, जलेबी 8 रुपए, खस्ता कचौड़ी है 2 तरह की, एक बड़ी एक छोटी, बड़ी वाली 13 रुपए की, छोटी 8 रुपए की। अच्छा, खस्ता कचौड़ी किस चीज का बनता है? खस्ता कचौड़ी बनता है प्योर मूंग दाल का। प्योर मूंग दाल का। और ये क्लब कचौड़ी? ये उड़द दाल का। उड़द दाल, और साथ में और भी कुछ देते हैं क्या? सब्जी देते हैं, भुजिया देते हैं। नहीं नहीं, कचौड़ी के अंदर, हाँ, कचौड़ी के अंदर में आपके सूजी रहती है और ये मैदे से बनती है, और इसके अंदर में काला जीरा अजवाइन देते हैं। काला जीरा अजवाइन, और सुने हींग वगैरह भी डालते हैं? हींग भी देते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये जलेबी किस चीज का बनता है? जलेबी सर 3 तरीके से बनता है, एक डालडा, एक देसी और एक तेल में। अच्छा, अभी जो आप देख रहे हैं ये डालडा वाली जलेबी। अच्छा, ये डालडा वाला जलेबी है। अच्छा, इसका प्राइस क्या लेते हैं? इसका प्राइस 8 रुपए लेते हैं। अच्छा, तो ये डालडा चिपकता वगैरह नहीं ना है मुँह में? चिपकता है सर, आप मुँह में खा के देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा डालडा है। अच्छा, चलिए ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बड़ा बाजार का सबसे कंट्रोवर्शियल अभी जो चल रहा है कचौड़ी, बहुत कोई बोल रहे हैं कि ये डुप्लीकेट छंगानी है, बहुत कोई हम लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये कचौड़ी ही नहीं है, इसको राजस्थान में बहुत कोई बिढ़ई बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वाट एवर एल्स। मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि जो फूड ब्लॉगर्स इसको आके यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये कचौड़ी नहीं है, मैं उनको कहूँगा जो फूड ब्लॉगर्स यहाँ कलकत्ता में आकर इस कचौड़ी को बोल रहे हैं कि ये कचौड़ी नहीं है, दूसरा कुछ है, या फिर इसको खा के हार्ट अटैक हो जाता है, या फिर ये डुप्लीकेट है, ये सब जो बोल रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप लोग फूड ब्लॉगिंग करना छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि नहीं तो इतना लोग पागल नहीं है कि यहाँ पर दिन भर सुबह सुबह से आके इस तरह से लाइन लगा के इस तरह का ये कचौड़ी खाते हैं। तो चलिए हम लोग भी टेस्ट करते हैं, इससे पहले भी टेस्ट किए हैं, इतना फेमस यहाँ का ये कचौड़ी है, छंगानी पप्पी महाराज जी का ये कचौड़ी, उड़द दाल का ये कचौड़ी है, साथ में यहाँ पर हींग वगैरह भी दिया जाता है, तो इसका खासियत है ये सब्जी, ठीक है? तो चलिए थोड़ा सा इस सब्जी को लेते हैं और इस भुजिया को लेते हैं, और लेने के बाद मतलब जितना भी बार खाते हैं ना दिल खुश हो जाता है। आप इसको बिढ़ई बोलिए, कचौड़ी बोलिए, क्लब कचौड़ी बोलिए, जो भी बोलिए, भाई खाने में ज़बरदस्त है। तो चलिए और एक बार लेते हैं, ओह ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इसको खाने के बाद अगर हार्ट अटैक भी आए ना तो भी सह लेंगे, इसका स्वाद ही कुछ ऐसा है। और आप लोग जो लोग हार्ट अटैक से डरते हैं प्लीज़ यहाँ पर मत आइए, मत खाइए, फूड ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए। ओह जबरदस्त, साथ में लेते हैं इनका ये केसरिया जलेबी, तो भैया एक जलेबी भी दे दीजिए। ये रहा इनका जलेबी, तो क्या प्राइस क्या है भैया? 8 रुपया। तो ये देखिए इस तरह का केसरिया जलेबी है, डालडा से बनता है, भैया चैलेंज किए हैं
कि डालडा से भले ये बनता है लेकिन डालडा आपके मुंह में कहीं पर भी आएगा नहीं। चलिए, जबरदस्त, हर एक चीज़ यहाँ का जबरदस्त है। मतलब जब भी हम बड़ा बाजार आते हैं तो इनका यहाँ का ये कचौड़ी ज़रूर ट्राई करते हैं। साथ में जलेबी।